This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, आज यानी कि 21 जुलाई 2022 की शाम की ताजा तरीन कागज नगर की खबरों के साथ मैं निशा मौजूद हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आइए देखते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस। आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रमणा। कागज नगर और सिकंदराबाद के बीच रेल सेवा हुई बहाल। इंटर बोर्ड ने जारी किया जरूरी नोटिस। एमपी की एसटी कमीशन अध्यक्ष से मुलाकात। विधायक कुनेरू कोनप्पा की फेसबुक पोस्ट से राजनैतिक चर्चाएं गर्म। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल जिला के आर्टिस्ट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें कागज नगर के रमणा आर्ट्स के मालिक रमणा कोडम को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अध्यक्ष बनने के बाद रमणा जी ने कहा कि जिले में करीब 50 से अधिक चित्रकार मौजूद हैं, जो कि पेंटिंग करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। आज के डिजिटल युग में हम चित्रकारों की डिमांड कम हो गई है, जिससे कि हमारा व्यापार भी कम हो गया है। सभी चित्रकारों की मांग है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में हमें वरीयता दी जाए, ताकि हमारा रोजगार सक्रिय रहे। शहर सुंदरीकरण प्रोजेक्ट के तहत जिले में मौजूद हर शहर के अंदर हमें अपनी कलाकृति और पेंटिंग के द्वारा शहर को सुंदर बनाने का काम दिया जाए। साथ ही सरकारी प्रोजेक्टों में उपयोग किए जाने वाले बोर्ड और सूचना पटल बनाने का काम हमें नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। ऐसे में सभी चित्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सभी चित्रकारों ने मिलकर कोमरम भीम डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन किया। कई दिनों तक चले रेलवे की तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है। ये काम पेद्दापल्ली से काजीपेट के बीच में चल रहा था, जिसके कारण सिकंदराबाद और कागज नगर के बीच रेल यातायात को सीमित कर दिया गया था। काम पूरा होने के बाद आज से कागज नगर एक्सप्रेस, भाग्यनगर एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, रामगिरी पैसेंजर, सिंगरेनी पैसेंजर और करीमनगर सिरपुर टाउन पुष्पुल रेल गाड़ियों की सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है। साथ ही निजामाबाद और करीम नगर के रास्ते डाइवर्ट की गई सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस को भी अब सीधे पेद्दापल्ली से काजीपेट के लिए चलाया जाएगा। सभी गाड़ियां पहले के निर्धारित समय पर ही चला करेंगी, इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। इंटरमीडिएट बोर्ड के सचिव सैयद उमर जलील ने एक सर्कुलर जारी करते हुए ये सूचना दी है कि 22 जुलाई यानी कल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज की परीक्षा ली जाएगी और परसों यानी 23 जुलाई को एनवायरमेंटल एजुकेशन की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए सभी छात्रों को हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। ये परीक्षाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगी। सभी विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं में भाग लेना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी ये परीक्षाएं नहीं लिखेंगे, उन्हें इंटरमीडिएट के किसी और परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। मंचिरियाल जिले के दांडेपल्ली गांव में कुछ दिनों पहले वन विभाग और किसानों के बीच हिंसात्मक झड़प हुई। यहां भी पोडियो भूमि की समस्या के कारण ये झड़प हुई। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अफसरों द्वारा एक जनजातीय महिला को भारी बारिश में घसीटते हुए पीटा गया। पोडो भूमि की समस्या तेलंगाना राज्य में काफी गंभीर होती जा रही है, जिसको लेकर आदिलाबाद सांसद सोयम बापूराव ने आज दिल्ली में ट्राइबल कमीशन के अध्यक्ष हरीश चौहान से मुलाकात की। उन्होंने हरीश जी से तेलंगाना राज्य सरकार पर पोडो भूमि की समस्या को लेकर दबाव बनाने का आग्रह किया। ये फेसबुक पोस्ट सिरपुर विधायक कोनेरू कोनप्पा जी का है। इसमें वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखेबाज कहते हुए नजर आ रहे हैं। टीआरएस पार्टी के विधायक होने के नाते लाजमी है कि वो भाजपा के बारे में ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये पता चली कि इस एक पोस्ट ने पूरे ईस्ट गांव और कागज नगर के हिंदी भाषी टीआरएस कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया है। राजनीतिक रूप से ये सभी को पता है कि टीआरएस में कार्य करने वाले काफी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की भाजपा को खुले आम समर्थन देते हैं। एमएलए में कोनेरू और एमपी में मोदी को समर्थन देते हैं।
ऐसे में इन कार्यकर्ताओं के ऊपर असमंजस के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। इस एक फेसबुक पोस्ट ने कागज नगर में राजनैतिक चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के रहवासियों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कागज नगर की खबरों के बारे में पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि नए वीडियोज आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।